ठाकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। किसान प्रदर्शन के दौरान नवरीश सिंह की मौत के मामले में पुलिस जितनी सफाई दे रही है उससे ज्यादा सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अब पुलिस के दावे के उलट लंदन के मशहूर अखबार द गार्जियन ने साक्ष्यों की समीक्षा एक बड़े डॉक्टर से करवाई और एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नवरीत के शरीर की फोटोग्राफिक व वीडियो फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि सिर में कम से कम एक गोली का घाव घातक था। रिपोर्ट के अनुसार नवरीत के परिवार ने भी आरोप लगाया है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई। बता दें पुलिस इस दावे से इनकार कर चुकी है। उसका कहना है कि नवरीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है और इस मामले में 6 वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर गोली लगने से नवरीत की मौत होने की रिपोर्टिंग की और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, वह भी तब जब अधिकारियों ने पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से इनकार कर दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है। अब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे इस आंदोलन के समर्थन में राजस्थान के किसान भी खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के दौसा और मेहंदीपुर बालाजी में हुई महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं और ये निश्चित रूप से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में भी किसान आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है। इन दोनों जगहों पर हुई महापंचायतों में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अब सरकार ने पूरी जी जान लगा दी है। पिछले शनिवार से सरकार ने दिल्ली के पास 3 बड़े धरना स्थलों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में आवाजाही और इंटरनेट को बाधित करने के लिए कदम उठाए हैं। गाजीपुर और सिंघू में पुलिस ने बैरिगेडों के बीच सीमेंट डालकर रास्ते पर दीवार सी बना दी है, जिससे किसानों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कटीले तार लगाए गए हैं। वहीं टिकरी में रास्तों पर लोहे की लंबी कीलें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कटीले तारों को भी लगा दिया है। आंदोलनकारी किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रशासन के इन कदमों की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि लोगों को धरना स्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है। लगातार हो रही बाड़ेबंदी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए जिस पर सरकार ने कहा है कि वो एक फोन कॉल ही दूर है। राकेश टिकैत बोले कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्तों में कीलें लगाई गई थी, अब हमें दिल्ली जाना ही नहीं है तो फिर कील क्यों लगा रहे हैं, इससे जनता को परेशानी होगी। भाकियों के नेता राकेश टिकैत बोले कि जितने जनता के रास्ते बंद होंगे उतना ही लोगों को पता लगेगा कि कौन किसके लिए कील लगा रहा है। ये रोटी को संदूक में बंद करने की साजिश है, ये जनता जान चुकी है। शिवसेना सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है। यहां संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। उद्धव ठाकरे की ओर से पहले ही किसानों के साथ का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी करना और हंगामे करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और अंत में कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। CPIM के सांसद एलाराम करीम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के सांसद अशोक सिद्धार्थ ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर M.वेंकैया नायडू ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि इस पर बहस बुधवार को होगी, आज नहीं। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद नारेबाजी के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक चंडीगढ़ में हो रही है लेकिन इसमें BJP ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद 100 से अधिक किसानों के लापता होने का दावा किया जा रहा है। कई किसानों पर और आंदोलन से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को बताया कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की नियुक्ति की है ताकि किसानों को जल्द से जल्द कानूनी सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें लोगों को लापता लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये हेल्पलाइन नंबर 112 है। 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने आंदोलन को धार देने का ऐलान किया है। सोमवार शाम को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे 6 फरवरी को देश भर में सड़कों को जाम करेंगे। ये जाम दिन में 12 से 3 बजे तक लगाया जाएगा। किसान नेताओं ने 1 फरवरी को संसद मार्च का भी आह्वान किया था लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस कर्मियों की गाड़ी में 10 से 15 हजार रुपए का डीजल डलवा दिया है ताकि वो उसकी नाबालिग लड़की को ढूंढ सकें, जिसका पिछले महीने एक रिश्तेदार ने अपहरण कर लिया था। बैसाखी की मदद से चलने वाली महिला सोमवार को उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत लेकर कानपुर पुलिस प्रमुख के पास पहुंची। कमिश्नर दफ्तर के बाहर स्थानीय मीडिया से बात करते हुए गुड़िया नाम की इस विधवा महिला ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। महाराष्ट्र के यवताल में पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर 5 साल से कम उम्र वाले 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यवताल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्णा पांचाल ने इसकी जानकारी दी है। भारत में एक दिन में 8,635 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 94 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,66,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,63,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।